तिब्बत और नेपाल की वादियों से निकलकर देश के अलग अलग शहरों के रेस्टोरेंट में पहुंचते हुए आज गांव और कस्बों के ठेले पर सबके बीच पहुंचकर मशहूर होने वाला ये मोमो सबकी पसंद बन चुका है। क्या आपको भी मोमो पसंद है? क्या आपने कभी मोमो को घर पर बनाया है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखकर जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम मोमोज की कवरिंग के लिए आटा गूंधेंगे। ये मोमोज की कवरिंग पारी या शीडबी जिसे कहते हैं, इसे बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप छान कर लिया हुआ मैदा ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1/2 कप आटा भी ले सकते हैं, या फिर आटे से भी ये मोमोज बनाए जा सकते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला लेंगे। इस आटे को हमें बिल्कुल ठंडे पानी से यानी आइस कोल्ड वाटर से गूंथना है और इसे थोड़ा सा सख्त यानी टाइट गूंथेंगे, क्योंकि सख्त गूंथने से ये पतले पतले बेले जाते हैं। जितना पतला बेलेंगे उतने ही ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये आटा गूंथकर तैयार है। अब इसे इस तरह कपड़े से ढककर सेट होने के लिए रख देते हैं और तब तक मोमोज की स्टफिंग बना लेते हैं। ये मोमोज की स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। इस स्टफिंग बनाने के लिए कम से कम तेल का उपयोग करना है, वरना स्टफिंग चिपचिपी बनती है। तेल गरम होते ही 20 से 25 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां, 2 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें बारीक कटे हुए हरे प्याज का सफेद पार्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा स्टर करेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च डालकर इसे भून लेंगे। इस स्टफिंग में लाल शिमला मिर्च डालना पूरी तरह से वैकल्पिक है। हमारे पास लाल शिमला मिर्च थी इसीलिए हमने डाली। आप चाहे तो हरी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे। वजन में देखा जाए तो 250 ग्राम गाजर। अब इसे तब तक स्टर करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो उसमें 1 कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी यानी बंद गोभी डालेंगे। वजन में देखा जाए तो 1/2 किलो गोभी है। अब इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। आमतौर पर स्टफिंग बनाते समय सब्जियों को बारीक काट कर या कद्दूकस कर उसमें नमक मिलाकर सब्जियों से रिलीज होने वाला पानी निचोड़ कर निकाल दिया जाता है। लेकिन हमने जिस तरह से स्टफिंग बनाई है, अगर उस तरह से स्टफिंग बनाएंगे तो विश्वास रखिए मोमोज खाने का मजा 2 गुना हो जाएगा। और आप हमेशा इसी तरह से स्टफिंग बनाना चाहेंगे। इस तरह स्टफिंग बनाने से सब्जियों से पानी निकाला नहीं जाता, इसीलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है। इस स्टफिंग बनाने के लिए सब्जियों को बारीक ही काटना है। अगर हम इसे कद्दूकस करेंगे तो इसमें से पानी रिलीज होता है। अब सारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं तो इसमें 1 चम्मच कूटी हुई काली मिर्च डालकर इसे मिला लेते हैं। काली मिर्च की वजह से स्टफिंग का स्वाद बढ़ जाता है। अब गैस की आंच बंद कर देंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मिला लेते हैं। हमें इसमें सबसे आखिरी में नमक डालना है, क्योंकि आंच पर पकती हुई सब्जियों में नमक डालने से सब्जियां ज्यादा पानी रिलीज करती हैं और इस पानी की वजह से मोमोज को आकार देना कठिन हो जाता है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी प्याज डालकर इसे मिला लेंगे। आप हरी प्याज की जगह धनिया की बारीक कटी हुई डंठल भी डाल सकते हैं। मोमोज की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकालकर अलग रख देते हैं। आप देख सकते हैं ये स्टफिंग पूरी तरह से खिली खिली बनी है, ना ही ये चिपचिपी है और ना ही ऑयली। ये मोमोज की कवरिंग का आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा आटा अलग निकाल लेंगे और इस आटे को ड्राई ना हो इसलिए फिर से ढककर रख देते हैं। आप चाहे तो एक साथ 7-8 लोइयां बनाकर रख सकते हैं, या फिर एक एक लोई लेकर भी इसे बेल सकते हैं। हमने यहाँ 5-6 लोइयां एक साथ बनाकर रख दी है। अब इसे एक एक करके बेलेंगे। अब इस लोई पर थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे पतला पतला बेल लेंगे। आप देख पा रहे हैं इस पारी को हमने कितना पतला बेला है। ये कवरिंग जितनी पतली होगी मोमोज खाने का मजा उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि पारी अगर पतली हो तो खाने में मैदा मैदा नहीं लगता। पारंपरिक तौर पर मोमो को चंद्राकार बनाया जाता है। उसके लिए पारी को तर्जनी और अंगूठी के बीच पकड़कर
उसमें स्टफिंग भरेंगे और स्टफिंग को अंगूठे से दबाते हुए दूसरे हाथ की उंगलियों से इसकी छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए इसे बंद कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में मोमो की शुरुआत तब हुई जब बड़ी संख्या में तिब्बतियों को भारत आना पड़ा। उनके साथ साथ आया प्यारा सा व्यंजन जिसे हम मोमो कहते हैं। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में इसे डिमसम और डम्पलिंग्स कहा जाता है और चीन में मोमो। मोमो एक चाइनीज शब्द है जिसका अर्थ होता है भाप में पकी हुई रोटी। इस मोमो की एक तरफ से प्लेट्स बनती है और दूसरी तरफ से प्लेन रहते हुए चंद्राकार बनता है। इसी चंद्राकार के दोनों किनारों को मिला लिया जाए तो इस तरह का मटके का आकार भी बन सकता है। अब मोमोज को थोड़े से अलग अलग झटपट बनने वाले आकार में बना लेते हैं। अब इस पतली बेली हुई पारी पर एक चम्मच स्टफिंग रखकर उसे इस तरह स्टफिंग के ऊपर फोल्ड करके इसके किनारों को उंगलियों से दबाते हुए बंद कर देते हैं। इसे हाथ में लेकर इस तरह फिर से इसके किनारों को अच्छे से बंद करेंगे और फिर बीच में तर्जनी से थोड़ा दबाते हुए इस तरह इसे बंद कर देंगे और हो गया मोमो का एक सुंदर सा आकार तैयार। अब एक पारी पर स्टफिंग रखने के बाद इसके किनारों को बंद करते हुए गुजिया की तरह भी मोड़ सकते हैं। इस मोमोज को गुजिया की तरह भी आकार दे सकते हैं। आप इस मोमो को जो भी आपको आसान लगे उस आकार में बना सकते हैं। कुछ कुछ आकार ऐसे होते हैं कि बिना प्रैक्टिस के उसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हम आपको इतना विश्वास दे सकते हैं कि आकार आपका भले ही बिगड़ जाए लेकिन स्वाद यकीनन नहीं बिगड़ेगा। मोमोज को किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। सिगार मोमो, मटका मोमो, कुल्फी मोमो, फ्लावर मोमो, लीफ मोमो, जो भी पसंद हो उस आकार में मोमो बनाए जा सकते हैं। एक आकार तो गणपति बाप्पा के मोदक की तरह भी बनाया जा सकता है। हम गणपति बाप्पा के लिए मोदक बनाते हैं ना, तो मोदक की पंखुड़ियों को जोड़ते हुए भी इस मोमो को बनाया जाता है। अब ये सारे मोमो बनकर तैयार है। अब इसे भाप पर पकाना है। उसके लिए आपके पास मोमोज पकाने का बर्तन है तो ठीक है, इस तरह के पतीले के ऊपर छन्नी रखकर भी मोमोज को भाप दे सकते हैं। हमने पहले ही 3 ग्लास पानी इस पतीले में गरम करने के लिए रख दिया था। अब इस तरह की छन्नी इसके ऊपर रखकर इसे तेल लगाएंगे ताकि ये मोमोज तले से चिपके ना। इस छन्नी पर एक साथ जितने मोमो रखे जा सकते हैं उतने रखेंगे। इन मोमो को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है ताकि ये एक दूसरे के साथ फूलने के बाद चिपके ना। अब इन मोमो पर इस तरह तेल लगाकर इसे ढककर 15 मिनट के लिए गैस की मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। आप इस मोमो को इडली स्टैंड में भी पका सकते हैं। इडली की जगह एक एक मोमो रख दें और उसे ढककर पका लें। स्ट्रीट फूड्स के साथ इनोवेशन करना तो हमारे भारतीयों का चलन रहा है और इसी चलन के चलते मोमोज के साथ भी बहुत से इनोवेशन्स हुए हैं। स्टीम मोमोज के अलावा रोस्ट मोमो, फ्राई मोमो, तंदूरी, अफगानी, कुरकुरे मोमो, चॉकलेट मोमो भी मिलने लगे हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये फूले फूले और जूसी मोमोज बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म ही तीखी लाल चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व करेंगे। ये मोमो गर्मा गर्म खाने में ही मजा आता है। अगर खाने से पहले ठंडे हो भी जाए तो जब आपको खाना हो तब इसे 5 मिनट के लिए स्टीम दे दीजिए और गर्मा गर्म मोमोज का आनंद लीजिए। अब मोमो को तोड़ कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मोमो कितने सॉफ्ट और रसीले बने हैं। इसकी स्टफिंग चिपचिपी नहीं बल्कि खिली खिली बनी है। ये मोमो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मोमोज के साथ खाई जाने वाली तीखी लाल चटनी की रेसिपी हमने आपको पहले से ही दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना ना भूलिएगा। अगर आपको स्वादिष्ट रसीले और नरम नरम मोमोज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर श्रुति रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतजार है। फिर मिलेंगे मोमोज की मेयोनी की रेसिपी के साथ। आपके हर श्रुति। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।